मेरी बीवी बच्चों सब मुझसे बिछड़ गए। खेती बाड़ी साहब कुछ होना ही बा हमारे सबके बिहान। सरकारी में हुआ नहीं, नोट है नहीं हमारे पास, कहाँ से कराएंगे। और उनकी उनकी बीवी तो कम से कम 14 साल से जान ले उनके, जब से तीली बाढ़ी तब से वो बीमारे थी। ये कथा है देश के सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चों वाले राज्य उत्तर प्रदेश की। हजारों बच्चे हर रोज कहीं ना कहीं अस्पतालों में कम खाने की वजह से, कुपोषण की वजह से यूपी में मरते होंगे, पर उनका कोई ख्याल कोई जिक्र नहीं होता है। उस मामले में यह घर थोड़ा खुशनसीब है कि एक दिन अखबार में इसकी कहानी छपी, जिसके बाद से यह किस्सा सरेआम हुआ कि अब दलित पिछड़े के यहाँ तो लोग भुखमरी से मरते ही थे, अब सामंती कही जाने वाली, ताकतवर कही जाने वाली जात ब्राह्मणों के यहाँ भी भुखमरी से मौतें होने लगी हैं, कुपोषित होने से बच्चे साल दर साल मरने लगे। यह किसी जातीय विश्लेषण से ज़्यादा इस बात का विषय है कि हमारे देश में आम तौर पर जुमलेबाजी है ब्राह्मण ठाकुर, और उस जुमलेबाजी का सच यहाँ तक पहुँच चुका है। इसलिए अब हमें नए तरीके से सोचना भी होगा। आइए पहले इस कथा को सुनते हैं जिन्होंने इसको भुगता है। 22 साल पहले मेरी जो है शादी हुई थी, इसकी उसके पेट में पानी बन रहा था, लीवर किडनी उसका डैमेज हो गया। यहाँ कप्तान ने स्वास्थ्य विभाग में यहाँ भी दवा कराए, यहाँ डॉक्टर ने हमें कुछ नहीं बताया। मैं अगर दिल्ली नहीं लेके गया होता तो शायद ये भी मुझे नहीं पता चलता, मैं एक अनपढ़ जायज गवार आदमी हूँ। इसके बाद मुझे ये भी नहीं पता चलता कि इसको हुआ क्या है। मैं पूछता था तो लोग यही बोलते थे, डॉक्टर लोग, सर बेटा ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो लास्ट आप उन्हें दिल्ली में आपने दिखाया? लास्ट में लेके गया यहाँ से रोहड़ी, अच्छा, बाबा भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल में, वहाँ एडमिट किया। वहाँ भी जब मैं डॉक्टर से पूरा रिपोर्ट इकट्ठा करके मैं उनसे पूछा, सर क्या हुआ, कुछ इसका मतलब ये बच जाएगी या नहीं बचेगी, तो उन्होंने हमको यही राय दिया, बेटा इसका जो है लीवर और किडनी खराब हो गया है, आप इसको घर ले जाए। अगर आप पैसे वाले हैं तो इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, अगर आपके पास व्यवस्था है तो बाहर दिखाइए कहीं अच्छे डॉक्टर को, हो सकता है, लेकिन ज़्यादा पैसा है तो इसमें बहुत पैसा लगेगा। मैं बोला सर मेरे पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। तो उन्होंने बोला बेटा एक काम करो, इसका जो है लीवर का ऐसा पानी निकलवाते रहना, एक दो महीना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना ही जिंदा रहेगी, उसके बाद ये। आपकी देवरानी कब से बीमार रही, क्या परेशानी रही उसे, खाना वाना भी नहीं बना पाती? हाँ, खाना वाना नहीं साहब, खाना वाना तो नहीं बना पात रही, अभी अपने हाथे बना खात रही। अब हमारे सबके कुल मजबूरी है बस, साहब गाँव गाँव यह कुल बिसाता उसाता करके कौन बिजा से खाना पानी खाए जा, तो और काव किया जा साहब। बीमार तो बहुत दिन से है, जब से लड़के कुल है कुल ऐसे यही हालत में बीमारी सब यह हाल हो गया। तो आपके पति क्या करते हैं? यह कैसा गाँव गाँव यह बिसाता उसाता बेचा था थोड़े ढेर लड़के, और खेती बाड़ी साहब कुछ होना ही बा हमारे सबके बिहान। हमारे सब देखो तबीयत तो खराब बाटे, हाथ ही था यहाँ थोड़ा टूट गया। ये घर में खाने पीने की पर्याप्त चीजें नहीं थी, इलाज साहब ये तो बतिया बात, खाने पीने नहीं रहा तब कहाँ से इलाज हमसे हुई। मजबूरी है, यही मजबूरी है कि जब आदमी कमाता नहीं है तो कैसे कायदे से बच्चों का बीबी का परवरिश कैसे करेगा। जब थोड़ा कमाता है थोड़ा इधर उधर से मजदूरी करके लाता है तो बीबी बच्चों को संभालता है उसी से। और उनकी उनकी बीवी तो कम से कम 14 साल से जान ले उनके, जब से तीली बाढ़ी तब से वो बीमार थी। दवाई कराते कराते इधर उधर से दिल्ली से यहाँ से वो झेल 1.5 साल से तो वो घर पे बैठ गए। और हम लोगों की यही मजबूरी है, ना एक बिस्सा खेती, ना बारी, ना कहीं कुछ, यही देख लीजिए ये सब मड़ई उड़ई यही सब है हम लोगों के, यही यही जमीन जायदाद जो है हम लोगों का बस यही है। लेटरिन का सुविधा मिला है हमको, और हमको कुछ भी नहीं मिला है, ना गैस का, ना ये लाइट का, हम लोगों का कुछ भी नहीं मिला है। दवा कराते 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 अस्त हो गई, फिर अंतिम में भय चारपाई पे पड़ गई, उसका सारा जिंदगी बर्बाद हुई, ये सब खराब हो गया। अब 6-7 महीना हो गया उसको भी मरे, अब ये यहाँ पे हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, एक पैसे कहीं आमदनी नहीं है, जमीन भी नहीं है कि कुछ खाने को मिलेगा, इनको क्या मिलेगा। अब बच्चे का दवाई करावें कि पेट भरें, अपना क्या करें क्या ना करें, मजबूर है बहुत ज़्यादा। और एक बच्चा है तो उसको ना बच्चा समझो, ना अपंग समझो, ना कुछ समझो, जब दिमाग नहीं उसका काम करता है।
दिमाग शुरू से नहीं काम करता था, में ऐसे ही थी। यहाँ से आपका इतना एरिया है बस, ये यहाँ से यहीं से चार भाइयों से वो जो कपड़ा टांगा यहीं से मेरी पत्नी थी, अगर बिल्कुल बेड पे हो गई, बिल्कुल बेड पे हो गई थी। 11 करीब 10-15 दिन पहले इसके मामा थे, इसको भेज दिया था। अभी लैट्रिन का भी नहीं बताती है, पेशाब का भी नहीं बताती है, कुछ मेरे आगे पीछे समय को है नहीं कोई, क्योंकि सिर्फ इसका समस्या असली यही था। ना किसी से खाना मांग पाती है, ना लैट्रिन पेशाब बता पाती है, और दूसरे के बच्चे का कौन लैट्रिन पेशाब। ये कितने साल की हो गई? 4 साल। 4 साल की हो, 4 साल से ऊपर ही है। तो अभी आप घर गुजारा कैसे चलता है अभी आपका? फिर जो उसका जेवर बचा था वो मैं बेच बेच के वही जो है इसको खिला रहा था, और जब भी पैसा नहीं रहता था, मेरे गांव के बनिया लोग हैं उनके खेत से जाके मैं कुछ उधारी बाढ़ी ले आता था, भैया कमाऊंगा तो दूंगा, मर गया तो समझ लो संतोष हो जाएगा। अभी आपके ऊपर उधार कितना है इस समय? जो है कम से कम क्रियाक्रम के लिए मेरे रिश्तेदारों ने करीब 30,000 रुपया वो लोग दिया था, फिर उसके बाद में जो है गांव में कम से कम बाजार में 12,000 गांव में है आपको देना है। हाँ, जो रिश्तेदार का है वो अलग से, वो बोले हैं भैया जब तुम्हारे होगा तो देना, नहीं तो इसका क्रियाक्रम कर डालो। उसके बाद में यही जो है अपना जेवर पानी से उल्टा सीधा साग सब्जी कैसा भी थोड़ा बहुत यही चला रहा हूँ। दूध रहता, अगर दूध पिलाएंगे कम से कम उसमें 20-30 रुपए का डेली खर्चा है, 20 रुपए का इसका इसको पेम्पस लेके आते हैं। ये देखिए वो डॉक्टर साहब थे विनोद वर्मा जी, वर्मा है कि कौन है, जिला प्रभारी डॉक्टर प्रभारी विनोद कुमार वो थे उनके बगल में। और अभी आप बच्ची को लेकिन इलाज के लिए फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए थे ना जी? मैं वो भी बता रहा हूँ आपकी, सारी सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको। फिर बच्ची को वहाँ से देखे वितरण करके कपड़ा फोटो वोटो वीडियो बना के उन्होंने 10 अंगूठा लगवा के उसके बाद में मुझे जिला अस्पताल रेफर किया गया, उसी से गाड़ी से एम्बुलेंस से वहाँ गया। वहाँ जो है एक बोतल इसको चढ़ी थी छोटी, एक बड़ी बोतल चढ़ी थी, और उसके बाद में फिर बाद में ये आंगनबाड़ी वालों ने पहुँच गया या जो यहाँ की हैं वो इसको अपने हाथ में लेके वीडियो बनाए फोटो खिंचवाए। ये लेटी हुई थी, इसका कपड़ा उपड़ा बदले थे वो पहनाए, लाइटिंग की थी उसके बाद में पहनाया, उसके बाद उन्होंने जो है ऐसा पकड़ के उसको तब वीडियो बनाया हाथ में लिया, उसके बाद में फिर हमको जो है वहाँ से रेफर कर दिया गया। बोले आपको हम जो चले जाओ लखनऊ अगर दवा कराना है, तो फिर मैं लखनऊ चला गया। लखनऊ नहीं गया, हाँ हमको ले गए एम्बुलेंस में, उन्होंने बैठाया एम्बुलेंस में, बैठाने के बाद फिर वहाँ हमको कई जगह जो है अंगूठा लगवाया गया, फिर उसके बाद वीडियो बनाया गया फिर उसके बाद में एम्बुलेंस में बैठा के वो लोग हमको जो है सब लोग चले गए। एम्बुलेंस वाला बाद में बोला भैया ऐसा है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम लखनऊ ले चलेंगे आपको जो है छोड़ देंगे, आपकी एडमिट हो या ना हो ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। मैं बोला ठीक है सर, तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं लखनऊ में जाऊँगा इस बच्ची को और ये बैग लेके मैं कहाँ इधर उधर भटकूँगा, मेरे को उतार दीजिए। फिर उन्होंने जो है अपने बॉस के पास फ़ोन कराया जो उनके ऊपर अधिकारी होते हैं, फिर मैंने वही यही बात बताया, मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है, एक पैसा बताइए लखनऊ में हमको छोड़ देंगे फिर मैं कहाँ इधर उधर भटकेंगे। उन्होंने बोला जो हमारे पास आपके पास व्यवस्था हो जाएगा तो हम आपको गाड़ी देंगे। ठीक है, फिर इसी पर हमने उतर गया वहीं। आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाना चाहते थे? नहीं नहीं जी। इसलिए आप प्राइवेट में आपने कहा? सुन लीजिए, वहाँ भी कुछ भी ये प्रशासनिक अधिकारी ही कह रहे हैं। हाँ जी कह रहे हैं, वो कहेंगे ही वीडियो बनाएंगे वो लोग जब सुनेंगे नहीं ये बच्चा पड़ा है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? फिर मैं बोल दिया मैं नहीं कराऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कराऊंगा नहीं दवाई से जगह पे, ये बच्चा को ऐसे ही मेरे मर रही है और भी मारने पे लगे हैं, तो फिर मत बताइए मैं क्या करूंगा। आप बताए, आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आपसे 20 बार बोल रहा हूँ सिस्टर बहन जी माता जी, ये मेरी बच्ची ऐसा ऐसा स्थिति में हो, उसको चढ़ा के उसका जो है ये अपना बंद कर निकालना था हाथ में जो लगा रहता है बीगो,
कम से कम और लाइटरिंग की थी, 20 बार मैंने गया हूँ, हाथ पैर जोड़ा हूँ, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ जी, फिर मैं बोल दिया, फिर बोले लखनऊ जाओ, यहाँ जाओ, मैं बोला मैं फिर उसके बाद मैं दवा कर, मेरे को नहीं करना है ऐसे जगह पे, खाली जो हमें वीडियो बनाया जा रहा है, मेरा शोषण किया जा रहा है, थोड़ा यहाँ हाथ में फंसा देता हूँ कि कम से कम इस पे रहेगी, नहीं तो नीचे उतर जाएगी, कम से कम सुरक्षित तो रहेगी। बोलती बोलती नहीं है ना बच्ची? बोलती है, जब इसके दिल में आएगा तो पापा मामा बाबा काका और कुछ उल्टा सीधा ये बोलती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है वहाँ, उसने इस मामले में, आपके मामले में संज्ञान लिया है, कहा है कि नहीं इन्हें न्याय मिलना चाहिए, इनके साथ चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो इस बीच आपके पास कोई अधिकारी मिलने आया? नहीं जी, हॉस्पिटल से लेके अब तक आपसे कोई संपर्क किसी ने नहीं, नहीं किया? जो भी किए हैं वो पत्रकार लोग ही किए हैं। पत्रकार लोग क्या किए हैं? यही मतलब है, आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है यही सब मतलब पूछा गया है, यही सब। ये कोई आर्थिक मदद नहीं मिली आपको? कोई नहीं मिला है। और कोई आप मतलब चाहते होंगे ना आपको एक काम मिल जाए ठीक सा? हाँ जी, मैं अब वही मैं बोला ना, हमारी बच्ची का इलाज हो जाए सही ढंग से, मैं इसको और मुझे रोजी रोटी कोई मिल जाए, बस मेरी यही ख्वाहिश है, बाकी मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है जी। अभी हम अपनी बच्ची को पाल लें, इसको हम खिला सकें अपनी कमाई का। मेरी स्थिति वो है कि मेरे पास एक रुपये का मुस्ताद हूँ, एक ब्राह्मण जात के, किसी के सामने चले मैं भीख मांगूं, या लोग यही कहेंगे साला अच्छा खासा है और मांग रहा है भीख, लास्ट में आदमी यही बोलता है। इसलिए मैं रिक्शा चलाना, मजदूरी करना ये पसंद करते हैं, लेकिन किसी के सामने भीख मांगना नहीं पसंद करते। अभी आप मजदूरी वगैरह कर रहे हैं इस बीच कहीं नहीं, पे? कुछ नहीं, जब से ये इसकी माँ मर गई तो उससे उसके बाद 13-14 महीना से मैं एक रुपये का काम नहीं किया हूँ जी। आपने गौर किया होगा कि पाड़े बताने में इनको थोड़ा गर्व है, थोड़ा ये भी कहते हैं भीख मांग के नहीं खाएंगे, हो सकता है थोड़ी जात की ठसक अभी बची हो, पर हकीकत आप आंखों से देख रहे हैं और स्थिति ये है कि मर जाएं तो एक कफन भी रिश्तेदारी से ही लेना पड़ेगा। एक बच्ची है छोटी सी, पूरा परिवार क्रमशः पिछले 15-20 सालों में मर गया है धीरे धीरे, एक बच्चा पैदा हुआ मर गया, दूसरा हुआ मर गया, तीसरा हुआ मर गया, पत्नी की मौत हो गई, रोग का नाम नहीं लेते, ये पता नहीं होगा शायद, कहते हैं हाथ पांव फूल गया था, पानी भर गया था लीवर में और उससे मौत हो गई। ये कहानियां हर गांव में आपको मिल जाएंगी, पर ये भाग्यवान है पांडे जी जो इनकी कहानी सतह पर आई है। हालांकि पता नहीं इस देश की जो योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, करोड़ों अरबों के जो विज्ञापन हैं, उनका असर किन घरों में होता है, कहाँ उसका इलाज होता है कि यह लोग छूट जाते हैं और देश को गरीबी और भुखमरी के नाम पर बदनाम करते हैं। ये बगल वाला घर आपके भाई का ही है? हाँ जी, वो भी गांव गांव जाके जो है कपड़ा, एक तो मेरे बाप भी जो है विषाद खाना का काम करते थे, जो लेडीज का सिंगार का काम होता है वो पीठ पे रख के गांव गांव फेरी करते थे। वही मेरा छोटा भाई अभी कपड़ा उपड़ा, छोटा छोटा बच्चों का कपड़ा और ये आप लोग जैसे के कपड़े लाके थोड़ा फेरी वाले फेरी का काम करता है। बड़ा भाई हमारा फेरी वाला काम करता है, एक उनसे छोटे भाई हैं वो भी हमारे जैसा, वो भी मजदूरी करते हैं जी। वो भी इस समय बम्बई में है, सेंटरिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग का बनाने का काम। आयुष्मान योजना का आपका नहीं बना है? ना बना है, ना लाल कार्ड बना है, राशन का जो अति गरीबी वाला होता है वो भी नहीं बना है। तो राशन कार्ड कौन सा वाला बना? बीपीएल आपका कार्ड नहीं बना है राशन कार्ड? नहीं, बीपीएल को बदल के जो है, बीपीएल को पहले कार्ड दिया गया था, उसके बाद में हमारे भाई ने उनसे जो है थोड़ा सवाल जवाब खुली मीटिंग में किया था, बोले वो दिल्ली में जाके रिक्शा चला रहा है, उसके बाद उसको चालू किए, उस पर जो है पेंट वेंट लगा के, उस पर सफेदा लगा के उसको चालू किए गए, फिर जब बाद में बना दूसरा राशन कार्ड तो ये पात्र गृहस्थी के नाम से बना है कार्ड। वो आयुष्मान योजना वाला जो कार्ड बनता है वो तो गरीबों के लिए ही बनता है, गरीबों का। लेकिन सर मैं अब गांव के प्रधान जी से और गांव के आंगनबाड़ी जी से और आशा से वे मैं बोला तो वो बोले भाई मेरे हाथ में नहीं है, ये ऊपर से जो है सरकारी कर्मचारी आते हैं, सबका जो है सूची में जिसका नाम रहता है उसका बनता है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में आप गए थे? उस मेले में मैं गया था तो आंगनबाड़ी वाले ने हमको बताया था यहाँ से ऐसा ऐसा बात है, वहाँ चलिए। उनके पास मैं लेके पर्चा देने लगा, वो बोलते हैं ऐसा है भी विधायक जी आ रहे हैं, फल और कपड़ा वितरण होगा,
वो लेके आप अपने घर चले जाना। मैं यहाँ फल खाने नहीं आया हूँ, कपड़ा लेने नहीं आया हूँ जी। मेरे बच्चे की सवाल है कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं इसको पालना चाहता हूँ। मेरा यही तमन्ना है कि मैं इसको कैसा भी पाल दूँ, इसकी शादी विवाह कर दूँ। मैं कभी बुढ़ापे वक्त में मेरे कोई नहीं रहेगा, कम से कम एक लोटा पानी एक रोटी बना के तो खिला सकती है। फिर एक पत्रकार आए, वो हमको जो है, मैं नाम नहीं जानता हूँ, उन्होंने हमको जो है लेके विधायक जी के पास में गए, विधायक जी ने उन्हों कहा कि जो आपकी बेटी का मदद होगा वो मैं पूरा करूँगा आपको। विधायक कौन है? विधायक यहाँ के ये चंद्र प्रकाश नहीं, हाँ चंद्र प्रकाश, हाँ वही, उन्होंने ये चीज हमको। तो कोई मदद दी उन्होंने आपको? अभी हमको कोई मदद नहीं मिला है। आखिर हमारे देश की सरकारें काम तो कर ही रही हैं, लोगों को इलाज तो मिल ही रहा है। क्या विज्ञापन झूठ छप रहे हैं? टीवी चैनलों पर एंकर झूठ बोल रहे हैं? कतई नहीं। यह गरीबी इनकी देन है, इन गरीबों की देन है। जाति धर्म अलग हो सकता है, लेकिन इन गरीबों की नीयत एक है। और उसी नीयत से आप इस पांडे जी को भी समझिए कि कैसे देश की सरकार को बदनाम कर रहे हैं। आइए आगे की फिर कथा सुनते हैं। इन कथाओं का क्या है, कभी कभी हमारे सामने आ जाती हैं तो सुन लेना चाहिए। आखिर परीक्षाओं में, बहसों में, चौराहों पर, राजनीति में बोलने के लिए कुछ तो चाहिए विपक्ष को भी। पक्ष तो कल्याण कर ही रहा है आपका, मोदी जी भला तो देश का कर ही रहे हैं, और योगी जी के इस राज्य में भुखमरी का शिकार हुआ यह ब्राह्मण हो सकता है कि ये देशद्रोही टाइप हो, या थोड़ा वामपंथी जैसा हो, सेकुलर हो या कांगी आपिया हो, इसलिए भुगतना पड़ रहा है। अन्यथा तो ब्राह्मणों को जिस तरह का समर्थन प्राप्त है योगी का, उसके बाद से तो इनका भला ही भला हो रहा है। मैं तो नहीं मालूम था कि तबीयत खराब है, लेकिन अब जो बच्ची है, तो हम तो डॉक्टर हैं नहीं, डॉक्टर ही पास भेजा जाएगा। भुखमरी कहाँ कह सकते हैं आप, कुपोषण भी नहीं है, कुपोषण नहीं है और न भुखमरी है। अब वो बच्ची, उनकी औरत थी, कैंसर से एक्सपायर कर गई, कैंसर हुआ था उसको। अब वो मंद बुद्धि की है लड़की, अब उसको रखाना पड़ता है उनको। अब वो बच्ची को लेके बाहर तो रह नहीं पाते हैं, नहीं तो ऐसा थोड़ो है कि भुख इतना ना ही है उनके पास कि खाना ना खा सकें। आपकी तरफ से किसी तरह की कोई हेल्प दी गई अभी तक उन्हें? ना, आर्थिक कोनो मदद नहीं। मोहल्ले में एक सरकारी नल है, वहाँ से ही जो है कपड़ा लत्ता धुलाई करते हैं, बच्ची के लिए, अपने के लिए पानी भर के लाते हैं, खाना बनाने के लिए। ये नल, ये हैंड पाइप है, ये देख लीजिए। तो हैंड पाइप कब से नहीं चल रहा है ये आपका? ये करीब एक साल से ऊपर हो गया। तो अड़ोस पड़ोस थोड़ा बहुत मदद करता होगा इस बीच? ऐसा है बेटा, आजकल अपने ही भरना बहुत कठिनाई है, दूसरे का क्या। हाँ, हम यहाँ आपसे कहें, हम इतना कह दें हरिचंद, क्या ठीक है भैया, खाना वाना बन गया, हाँ काकी बन गए, तो कहेंगे नहीं कि नहीं बना नहीं खाएंगे। कहीं ना काकी खा लिए, बस हम वहीं पर स्वतंत्र हो गए, चुप, कोई देने वाला नहीं है इनको। काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए और बच्चे का इलाज मिल जाए, तो बस वही चाहिए इनको, बच्चे का इलाज हो जाए, इनको कुछ काम धाम मिल जाए, कहीं से करें अपने बच्चों को, अपने बच्चे पाले, हम पाल ले जाए किसी तरह से। भगवान से मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ, हमारी बेटी जी जाए, बच जाए, मैं उसका इलाज करवा दूँ कहीं से, और वो उसका मैं शादी विवाह करेंगे। एक तो कम से कम अपने जीवन में अच्छा काम वो तो हो जाएगा। पता नहीं क्या कर्म किया था जो आज मुझे इस तरह का, मेरी बीवी बच्चों सब मुझसे बिछड़ गए, आज मेरी बच्ची है, अब मैं उसको खिला नहीं पाता, अपनी कमाई का एक रुपये मैं उसको उसका मैं कन्या का दान कर दूंगा। हमारा जानी जानी थे हमारे सब, नहीं।